ये है गोपालगंज का सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र है। ये जस्ट उसके सामने का हिस्सा है, आप देख सकते हैं। और ये यहाँ पे गोपालगंज में, ये जस्ट इसके सामने, ये विक्षिप्त व्यक्ति लगभग 2 दिन से अधमरी स्थिति में यहाँ पर पड़ा हुआ है, आप देख सकते हैं। पानी थोड़ी देर से पानी मांग रहे थे। पानी पिए क्या? कहाँ के हो आप? क्या नाम है तुम्हारा? नाम क्या है? नाम कहाँ के हो? नाम क्या है? नाम नाम क्या है तुम्हारा? नाम देख सकते हैं आप, ये 2 दिन से विक्षिप्त हालत में पड़े हैं। अभी हम इनको उठा रहे हैं यहाँ से, उठा के ये जो 108 आई है इसमें, ये देखते हैं पुलिस वुलिस भी आ गई, इसमें हम इनको अभी वो कर देंगे और उसके बाद फिर आपको अधिक जान। का अस्पताल और ये देख सकते हैं आप सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र, ये सामने CHC है और ये मध्य प्रदेश की सबसे बड़ी CHC है। और आप देख सकते हैं यहाँ पे ये एक विक्षिप्त पड़ा है। रात का समय है, अस्पताल में कोई डॉक्टर नहीं है जो इन्हें अटेंड कर सके, मरीज की भर्ती कर सके, व्यक्ति की अधमरी हालत है। और इस गोपालगंज अस्पताल के ये हालात दरअसल कई दिनों से हैं कि रात में वहाँ पर एक डॉक्टर मौजूद नहीं होता है कि जो मरीज़ों को भर्ती कर सके। यह बात मैं इसलिए कर रहा हूँ क्योंकि कई बार देखा गया है कि जब अगर व्यक्ति रात में कुछ ज़्यादा बीमार हो जाए, उसकी बीमारी ज़्यादा हो जाए या कोई एक्सीडेंट केस हो जाए या कुछ हो जाए, तो ये सुविधा अस्पताल में मौजूद है। या तो डॉक्टर मिल जाए या फिर हाथ पैर टूट फूट होने पर, आजू बाजू कोई एक्सीडेंट हो जाए या कोई मरीज़ शदीद बीमार हो जाए, तो उसके इलाज के लिए अस्पताल में डॉक्टर का होना बहुत ज़रूरी है। अब बताइए, अस्पताल के सामने ही एक व्यक्ति 2 दिन से अधमरी हालत में, वो भी मानसिक रूप से विक्षिप्त व्यक्ति पड़ा रहा, और उसे अस्पताल में इलाज के लिए भी जब देखा गया कि यहाँ पे कोई मिल जाए, कोई डॉक्टर मिल जाए तो उसका इलाज हो जाए, तो वो भी हो नहीं सका। ये हमारे देश की स्वास्थ्य व्यवस्था और मध्य प्रदेश की स्वास्थ्य व्यवस्था और हमारे सिवनी ज़िले की स्वास्थ्य व्यवस्था का चेहरा है।